हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है वो हमारा इंग्लिश पर बेस्ड नहीं है, वो है हमारा बीए थर्ड ईयर के लिए जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और बीए सिक्स सेम के लिए यानी कि छठे सेमेस्टर के लिए हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो देखिए, ये वो किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा सिलेबस है हिंदी का वो हमारा हरियाणा की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो है हमारी KUK, ये KUK का सिलेबस है, CDLU का सिलेबस है, MDU का सिलेबस है, और इसके अंडर यानी कि इन तीनों के अंडर जितने भी हमारे कॉलेजेज आती है, जितनी यूनिवर्सिटी जाती है, उन सब का सेम सिलेबस है। और देखिए, जो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर वो हमारा क्या है, अकेला सिलेबस ही नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आपके क्वेश्चंस हैं जो कहाँ से आएंगे, तो आपको वो चीज़ें करनी है। आपका अगर आधा सिलेबस हो जाता है तो भी आप हिंदी के पेपर को क्लियर कर दोगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। अगर आप वो चीज़ें अब पढ़ लोगे तो आपका वो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो आज हम करेंगे वो साथ में हम देखेंगे जो सिलेबस है हिंदी का क्या रहेगा, साथ में ही हमें ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो किस तरह से आता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है इस सिलेबस में से कैसे बनाया जाएगा, कितने मार्क्स का बनाया जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का पैटर्न कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो देखिए, स्पेशली ये KUK यूनिवर्सिटी के लिए है, सिलेबस हमारा सेम है पर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है यानी कि क्वेश्चन कोई कम मार्क्स में होते हैं और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ज़्यादा नंबर का होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन कम नंबर का है दूसरा ज़्यादा नंबर का है, तो इस तरह से क्या होता है, MDU में CDLU में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है। पर जो एग्ज़ाम आपका आएगा वो सारा का सारा पेपर होगा वो इसी सिलेबस से ही होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, ये KUK के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो हमारा जो ये सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में है। तो कितने पार्ट्स में है वो सिलेबस, वो है हमारा 3 पार्ट्स में। अब देखिए, जो पूरी की पूरी बुक है वो 3 भागों में बटी हुई है, जो है भाग कै, जिसको हम खंड बोल रहे हैं यानी कि खंडों में बटी हुई है, खंड कै है, खै और गै, यानी पूरी बुक को जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कै भाग में, खै भाग में और गै भाग में। अब जो सबसे फर्स्ट पार्ट है तो वो है खंड कै का, इसका नाम है इस बुक का नव्यत्र गद्य गौरव, तो ये हमारा नाम है इस बुक का। तो इस बुक में हमारे जो चैप्टर्स है वो टोटल चैप्टर्स है 7। तो देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ये 7 पाठ दिए गए हैं, 7 चैप्टर दिए गए हैं हमारे भाग कै में। इनमें से क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए, इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें हमारा पहला जो लेसन है, पहला पाठ है वो क्या है, आशा का अंत, जो कि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है, ये हमारे राइटर है, और ये क्या है, एक निबंध है। तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि ये चैप्टर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे कैसे आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बताऊँगी उसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप साथ के साथ याद कर लो कि कौन सा चैप्टर किस शैली में लिखा गया है, क्या निबंध की शैली में है, संस्मरण है, ललित निबंध है, या व्यंग्य है, यात्रा वृत्तांत है, तो वो आपको नाम के द्वारा भी याद हो जाएगा। एक बार मैं आपको बताती चलती हूँ। तो जो पहला भाग है वो है भाग कै नव्यत्र गद्य गौरव, इसमें पहला जो पाठ है वो है आशा का अंत, ये है हमारा बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा हुआ, ये हमारे राइटर है, लेखक है, और ये एक निबंध है। निबंध क्या होता है इंग्लिश में, ऐसे बोलते हैं जिसे, एक निबंध है ये। उसके बाद सेकंड है वो है उत्साह, उत्साह भी क्या है, एक निबंध है। तो देखिए, आपको इन दोनों वर्ड से याद रखना है, ये इन दोनों शब्दों से, आशा और उत्साह क्या है, देखने में सेम है, आशा होती है कोई उम्मीद, उम्मीद होती है तो हमारे अंदर उत्साह भर जाता है। तो इस तरह से आपको ये दो नाम याद हुए कि दोनों के दोनों जो हमारे चैप्टर है, दो पार्ट है, ये हमारे क्या है, निबंध है। इसके आपको अब दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चला निबंध है ये दोनों पाठ। उसके बाद देखिए, तीसरा जो पाठ है वो है गिल्लू। अब जो ये गिल्लू है ये महादेवी वर्मा जो राइटर है उन्होंने लिखा है, और ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होते हैं,
इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेमोइर, यानी कि एक याद होती है, यानी कि हम पुरानी याद को दोबारा से ताज़ा करते हैं, उसे हम संस्मरण बोलते हैं। मान लीजिए हमारे बचपन में क्या हुआ था, हम उसे याद करके कुछ लिख रहे हैं, वो संस्मरण होता है। तो यहाँ पर गिल्लू है जो वो एक संस्मरण है। अब गिल्लू से रिलेटेड आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे, जो ये गिल्लू है एक संस्मरण है, यानी कि गिल्लू एक व्यक्ति है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, और उसकी याद को हम याद कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा भाग है, चौथा लेसन है, वो कौन सा है, वो है देवदारू, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये एक ललित निबंध है। उसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये हमारा फिफ्थ लेसन है, पांचवा पाठ है। विद्या निवास मिश्र ने इसको लिखा है, ये भी एक ललित निबंध है। तो ये गिल्लू और गिल्लू को छोड़ दीजिए, गिल्लू क्या है, अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो संस्मरण है, एक याद है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जो हमारे दो चैप्टर है, ये ललित निबंध है, ये आपको याद रखना है। और जो छठा हमारा पाठ है वो है सदाचार का तबीज, हरिशंकर परसाई ने इसे लिखा है, और ये एक व्यंग्य है। व्यंग्य क्या होता है, जब हम किसी पर कटाक्ष करते हैं, यानी किसी की बुराई गाते हैं और उस पर व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं किसी पर, तो ये एक व्यंग्य है। ये भी एक ही है आपकी बुक के अंदर। तो व्यंग्य के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, सदाचार का तबीज से आएगा, हरिशंकर परसाई के भाग से आएगा, यानी कि इसी ने ये लिखा है, इसी की तरफ से होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है तिब्बत के पथ पर। अब देखिए पथ की बात है, पथ पर हम क्या करते हैं, पथ होता है रास्ता, रास्ते पर क्या की जाती है, यात्रा, तो ये एक यात्रा वृतांत है। तो तिब्बत के पथ पर ये चैप्टर से जो आपका कोई प्रश्न आता है इस पाठ से, तो आपको याद रखना है यात्रा वृतांत होगा, यानी कि यात्रा वृतांत पूछा जाएगा, राहुल संकृत्यायन का पूछा जाएगा। तो ये हमारे सात लेसन हैं, सात पाठ हैं, और इनकी शैली आपको याद रखनी है। पहले दो निबंध हैं, उसके बाद गिल्लू क्या है, गिल्लू की याद आ रही है, संस्मरण है, और जो हमारा देवदारू मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये दोनों है ललित निबंध, सदाचार का ताबीज है व्यंग्य। अब देखिए कैसे व्यंग्य को याद रखोगे, आप किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसमें सदाचार नाम की चीज़ नहीं है, अच्छे गुण नहीं है जिसमें, और वो तबीज बांधे फिरता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सदाचार के गुण नहीं है और वो इसे पाने के लिए तबीज बांधता है, तो उस पर हम कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। तिब्बत के पथ पर, पथ से आपको याद रखना है, ये यात्रा वृतांत है। अब देखिए उसके बाद अब हमारा आता है भाग ख। अब देखिए जो ये भाग ख है, इसके बारे में बात करते हैं, भाग ख के, इसका नाम है हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपके हरियाणा से रिलेटेड होंगे, यानी कि हरियाणा में, हरियाणा का जो भाषा है, हरियाणवी भाषा है। अब भाषा की बात यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी एक भाषा है, तो उसी तरह से हरियाणवी का जो जो कुछ भी पूछा जाएगा वो भाषा से ही रिलेटेड होगा, यानी कि इसकी भाषा के बारे में बताओ, इसकी बोलियाँ बताओ, कौन कौन सी है बोली होती है किसी भी खास क्षेत्र की भाषा, तो उसकी बोलियाँ बताओ, कौन कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है, ये होगा। उसके बाद हरियाणा में क्या किया जाता है, जैसे सांग आता है, और फिर उसका परिचय जाएगा, जैसे कि गद्य साहित्य बताइए, कविताएँ बताइए वहाँ की, उपन्यास होते हैं नॉवल बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे भाग खैमे, खंड खैमे, और इसका नाम है हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास, यानी जो कुछ होगा हरियाणा से ही पूछा जाएगा इस भाग के अंदर, यानी कि हरियाणा के बारे में ही उससे पूछा जाएगा जितने भी प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है, यानी पहला है जो हमारा चैप्टर, वो रहेगा हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि हरियाणवी भाषा है वो कैसे पनपी और कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे वो विकास की तरफ गई, यानी कैसे वो पनपती गई, कैसे उसने अपना ये रूप ले लिया जो आज है, जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, इसमें बोलियाँ पूछी जाएगी, जैसे कि मेवाती बोली है जो मेवात में बोली जाती है, हम हरियाणा के हैं कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि किस एरिया के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो हरियाणा के लिए, तो उसमें ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए। तो देखिए मेवाती भाषा यानी कि बोली, मेवात की बोली है ये, बांगरू बोली, कोरबी, अहीर बाटी, ब्रज और बागड़ी,
ये सभी बोलियाँ, इन्हीं बोलियों से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद थर्ड है हरियाणा की सांग परंपरा। अब सांग का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि कैसे उत्पन्न हुआ, सांग को किसने शुरू किया और कहाँ तक ये गया और आज ये विकास करता हुआ कहाँ पहुँच गया है। तो सांग परंपरा हमारी सबसे पुरानी परंपरा है हरियाणा की, ये आपको पता होना चाहिए। और सांग परंपरा क्या होती है, सांग में क्या किया जाता है, तख्तों के ऊपर, तख्त क्या होते हैं, लकड़ी के तख्त होते हैं, उन पर सांग दिखाया जाता है। तो ये थर्ड है हमारा चैप्टर। फोर्थ है हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य। अब बात आती है हरियाणा में साहित्य क्या लिखा गया। साहित्य होता है लेखन सामग्री, यानी कि पाठ लिखे गए हैं, नोवल लिखे गए हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानियाँ कौन सी लिखी गई, कविताएँ कौन सी लिखी गई, नाटक कौन से लिखे गए, तो ये सभी हमारा साहित्य में आता है। हरियाणवी कविता इसमें भाग क्या है, अभी इस चैप्टर फोर का ही भाग क्या है जिसमें हरियाणवी कविताओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कविताओं का परिचय पूछा जाएगा, उनकी प्रवृत्तियाँ पूछी जाएगी। और खै भाग में होगा हरियाणा का गद्य साहित्य। अब देखिए ये बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी अब कि आपको कितना याद करना है यहाँ से। अब गद्य साहित्य में क्या कुछ होता है, गद्य होता है जिसमें हम लेसन के फॉर्म में लिखते हैं, पोइट्री इसमें नहीं होती। पद्य क्या होता है, देखिए ये भाग खै के अंदर गद्य है और कै में कविता, कविता में क्या होगा, पद्य। पद्य क्या होता है, जो कविताएं होती है। भाग खै में क्या आ गया है, जो कविताएं नहीं होती है, यानी कि कविताओं के अलावा जो कुछ लिखा जाता है, जैसे कि क्या होगा यहाँ पर, उपन्यास साहित्य। उपन्यास क्या होते हैं, उपन्यास होते हैं नोवल, जिसे हम इंग्लिश में नोवल कहते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा चैप्टर, पूरी बुक ही हमारी एक उपन्यास होती है, यानी कि एक ही पूरा चैप्टर होता है पूरी बुक का। अब देखिए जो पहला हमारा उपन्यास है झाड़ू फ्री, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को आपको मिल सकता है। फफा कुटने डॉक्टर श्याम सखा का, ये है हमारा एक समझनिए की मर, ये वाला। और उसके बाद आ जाता है हमारा कहानी साहित्य, कहानियों में माधव प्रसाद रचित है हमारी लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी ये हमारी कहानी है माधव प्रसाद के द्वारा जो रचित है, यानी कि उसकी रचना की गई है। तो ये आप अच्छे से करना, राजा राम शास्त्री का झाड़ू फिरी अच्छे से करना और फफा कुटनी करना। अब उसके बाद है नाटक साहित्य, नाट्य साहित्य, इसमें क्या है, नाटक दिखाए जाते हैं। चौधरी प्रताप सिंह का है, जैसे ताऊ झगड़ू है, डाकी भरवाना, आपराधिक आंकड़े आदि, ये सभी नाटक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए जो कुछ आपको यहाँ से करना है वो क्या रहेगा, आपको यहाँ से ये सेकंड और थर्ड, यानी कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करना है। एक तो सांग के बारे में करना है और एक बोलियों के बारे में। अब यहाँ फोर्थ जो है हमारा, इसके अंदर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको उठाना है ये तीन क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाने हैं। दो क्वेश्चन आप ये कीजिए, बोलियों वाला हमारा एक ही क्वेश्चन है टोटल, और सांग का आएगा वो भी एक ही क्वेश्चन होगा, और इन तीन में से आपको एक देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ इतना कर लीजिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, आप ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तीन चीज़ें कर लीजिए और सांग और बोलियाँ, ये पांच क्वेश्चन आप कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में इस भाग से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। उसके बाद देखिए थर्ड भाग में चलते हैं हम, तीसरे भाग में। अब देखिए जो हमारा ये तीसरा भाग है, खंड ग है, इसमें इसका नाम क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन क्या होता है, जब हम किसी कारणवश कुछ करते हैं, वो है हमारी पत्रकारिता। प्रयोजन मूलक हिंदी के भाग में है हमारी पत्रकारिता। अब जितने भी प्रश्न आएंगे इस पत्रकारिता के होंगे, यानी कि इससे ही रिलेटेड होंगे, वो इससे संबंधित होंगे। अब देखिए जो ये पत्रकारिता है, इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या रहेगा, पत्रकारिता, पत्रकारिता के बारे में बताना है, इसका स्वरूप बताना है और इसके प्रकार बताने हैं कि पत्रकारिता क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न है हमारा शीर्षक की संरचना, इसका शीर्षक कहाँ से आया, ये इसकी संरचना कैसी हुई है, संरचना कैसे हुई है पत्रकारिता की। तीसरा प्रश्न है हमारा संपादक के गुण और दायित्व। एक संपादक, संपादक कौन होता है, जो किसी पत्रकारिता में क्या होता है, एडिटर होता है। अब उसके गुण और दायित्व बताने हैं कि उसे किस गुणों से भरपूर होना चाहिए, यानी कि एक संपादक में क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो अपनी पत्रकारिता कर सकता है। और उसके दायित्व, उसके अधिकार, यानी कि उसके दायित्व क्या होते हैं, उसके फर्ज क्या है। तो क्या होते हैं दायित्व,
फ़र्ज, यानी कि उसकी क्या फ़र्ज है पत्रकारिता में, वो कैसे पत्रकारिता करे। उसके बाद है फीचर, ये भी हमारा पत्रकारिता से ही संबंधित भाग होता है। और पांचवा है स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा, यानी कि स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है प्रेस के क्षेत्र में। प्रेस क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, पत्रकारिता होती क्या है, जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं वो क्या करते हैं अपनी न्यूज़ को पेश करते हैं, वही पत्रकारिता होती है। अब उसमें इसकी स्वतंत्रता की अवधारणा देनी है कि कैसे वो सरकारी दफ्तरों से, सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे कैसे दूर रहनी चाहिए पत्रकारिता। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में कि कैसे उसे सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, पत्रकारिता में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी के अधीन ना हो और वो सब कुछ अपने दिमाग से, अपने खुद के मन से क्या करे, लोगों को देखकर, सच्चाई देखकर वो लोगों के सामने क्या लेकर आए, कोई भी खबर लेकर आए, कोई भी न्यूज लेकर आए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न की। अब इनमें से भी मैं आपको बता देती हूँ पत्रकारिता से कि कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। तो देखिए, यहाँ से आप करना फीचर को, फीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप यहाँ पर करोगे संपादक के गुण और दायित्व, दो प्रश्न ये होंगे, यानी कि ये वाले हो गए। और उसके बाद आपको एक जानना जरूरी है प्रेस की अवधारणा के बारे में। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं, इनमें से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आता है, किस भाग से आता है। तो यहाँ देखिए आप, जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर, तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, दो अवतरण दिए जाएंगे, यानी कि पैरे होते हैं वो दिए जाते हैं और उनके प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है, यानी कि उसका प्रसंग बताइए कि कहाँ से ये पैरा है, जो ये हमारा अवतरण है लिया गया है, किस राइटर का लिखा हुआ है, किस लेखक का लिखा हुआ है ये, और साथ में क्या करना होता है, फिर उसकी व्याख्या करते हैं कि आखिर इस अवतरण के अंदर दिया क्या गया है और क्या हमें बताना है वहाँ पर, तो ये हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 अवतरण दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 4 पैरे होंगे आपके पास, उनमें से आपको 2 करना है, 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी है, प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो ये आपके 2 होंगे, जो वो 7-7 नंबर के होंगे, 7+7 के 2 क्वेश्चन होंगे, 7-7 नंबर के होंगे, टोटल 14 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और ये आएंगे कहाँ से, ये अवतरण ये हमारे आएंगे, जो हमने 7 हमारे पाठ देखे हैं, 7 लेसन देखे हैं, उनमें से आप कितने करना, 7 में से अगर आप 4 भी करते हैं, उन 4 भाग में से, 4 पाठ में से, चारों पाठों में से आपको ये 2 देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप 4 को बिल्कुल अच्छे से कर लेना और उन 4 लेसन में से आपको 2 देखने को मिलेंगे, 14 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर है दूसरा प्रश्न होगा, जो वो होगा हमारा 2 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। ये भी प्रश्न कहाँ से होंगे, तो अभी हमने भाग 1 में देखा था, जो हमारा राइटर है उसका नाम दिया जाएगा, यानी लेखक का नाम दिया जाएगा, और फिर उस पूछा जाएगा आपसे इसकी शैली के बारे में बताइए, जैसे कि यात्रा वृत्तांत है, तो ये आपका प्रश्न आएगा कि इस लेखक की यात्रा वृत्तांत के बारे में राय बताइए, अपनी बताइए इसके बारे में कि यात्रा वृत्तांत में बताया क्या है इस लेखक ने। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 7 है प्रश्न, उनमें से अगर आप वही 4 कर लेते हैं, पहले 4 पाठ में से आप अगर अच्छे से, बड़े क्वेश्चन है जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, अगर वो 4 में से कर लेते हो आप, यानी कि पहले 4 कर लेते हो, तो उनमें से आपको एक 10 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो और ये कैसे होगा, हमेशा ही लेखक की शैली के ऊपर होगा, यानी कि क्या पूछा जाएगा आपसे, यात्रा वृत्तांत बताइए या फिर संस्मरण बताइए, यानी कि उसकी शैली के बारे में आएगा ये क्वेश्चन, और ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है, अब देखिए जो ये हमारा 3रा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। अब आपको कैसे करना है, ये होंगे हमारे लघु प्रश्न, लघु होते हैं इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये लघु प्रश्न होंगे आपके 4-4 नंबर के होंगे और आपको 4 करने हैं, आपको टोटल दिए जाएंगे 6, यानी कि आपको लघु प्रश्न 6 दिए जाएंगे
और इन 6 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा और 4 प्रश्न टोटल है जो वो हो जाएंगे हमारे 16 नंबर के। अब ये कहाँ से आएंगे, ये आपके पहले भाग से ही आएंगे, यानी कि जो हमारा खंड क्या है उसमें से ही ये आपके लघु प्रश्न आएंगे। 7 जो हमारे लेसन हैं, 7 पाठ है, उसमें से अगर आप 5 करते हो, 4 भी कर लेते हो तो भी आपको, यानी कि 4 पाठ तो आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, उनमें से ही आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, हरियाणा की सांग परंपरा। अब ये हमारा है खंड खै, खंड खै में हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास है। उसमें ही अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, एक बोलिया, यानी कि हरियाणा की बोलियाँ क्या हैं, इस पर एक क्वेश्चन करना है हरियाणा की बोलियों पर। उसके बाद सांग परंपरा पर ये 2 प्रश्न, और फिर करना है हमें जो हमारा चौथा प्रश्न है उसमें से 6 भाग से 3 हैं उपन्यास, कहानी और नाटक, ये करना है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न आएगा वो हमारा 10 नंबर का होगा, यानी कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। ये भी कैसा प्रश्न होगा, निबंधात्मक, जैसे हमारा भाग कैम में से क्या था, संस्मरण निबंध, ललित निबंध, व्यंग्य, यात्रा वृत्तांत, इनमें से 2 प्रश्न दिए जाते हैं। वैसे ही भाग खै में से भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा में, और आपको उनमें से कितने करने हैं, 1 करना है जो 10 नंबर का होगा। वो आपका सांग पर भी हो सकता है या आपका हो सकता है उपन्यास पर, कहानी पर, नाटक पर, बोलियों पर। सिर्फ 5 प्रश्न हैं इस भाग से आपको जो अच्छे से करने हैं कवर। उसके बाद देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है वो है 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो हमारा ये भाग खै है, खंड खै है हरियाणवी भाषा का, तो इसमें से ही आपके लघु आएंगे। जैसे हमारे पहले भाग में से क्या आए हैं, ये लघु प्रश्न आए थे, ठीक उसी तरह इस भाग से, ये हमारे खै खंड में है, उसी तरह इस भाग से कितने आएंगे, लघु प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 2 करने हैं। अब ये 2 आपको ठीक उन्हीं में से, हरियाणा की बोलियों, हरियाणा की सांग और उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से ही आपके ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 6ठा प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा 10 नंबर का, ये आ गया है हमारा भाग गै, यानी कि 6ठा प्रश्न है भाग गै से होगा, पत्रकारिता से होगा ये हमारा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पत्रकारिता में जो मैंने आपको बताया है, एक बताया है मैंने फीचर, और दूसरा बताया है संपादक के गुण साहित्य, और तीसरा स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा। ये 3 प्रश्न हैं, इनको अच्छे से कर लेना, इनमें से आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है। अब देखिए इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, तो देखिए जो हमारा ये 7th प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, इसमें क्या होगा, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें जितने भी होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि जिसमें लघु से भी छोटे, या तो आपको एक सिंगल वर्ड में आंसर देना होता है, सिंगल शब्द में, यानी एक शब्द में उत्तर देना होता है, या फिर एक वाक्य में, एक सेंटेंस के अंदर उत्तर देना होता है। इसे सभी वस्तुनिष्ठ, यानी कि इस भाग से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 होंगे, यानी कि टोटल आपके जो आएंगे 10 प्रश्न होंगे, और 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी टोटल 10 नंबर के आएंगे। और ये आपके जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपके भाग कै, भाग खै और भाग गै, यानी खंड कै, खै और गै, इन तीनों में से ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, और ये टोटल होते हैं 10, यानी तीनों भागों के क्वेश्चन में से, तीनों भागों के प्रश्नों में से ही ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि हिंदी का सिलेबस और साथ में प्रश्न पत्र का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।